छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाएंगे, और उसी के तहत आज आपने देखा होगा कि ये भव्य समारोह भगवान बलराम की पूजा अर्चना के बाद संपन्न हुआ। और एक कार्यक्रम में सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि प्रदेश के 27 जो हमारे केवीके सेंटर हैं वहाँ भी किसान सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और माननीय अन्य जनप्रतिनिधि उनकी उपस्थिति में, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और इसके माध्यम से खेती किसानी से लेकर के मत्स्य पालन, पशुपालन से लेकर के बाकी सभी चीज़ों के बारे में जानकारी भी दिया जा रहा है। वहीं हम जैविक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती को कैसे हम बढ़ावा दे सकें इसके बारे में भी हम उन्हें जानकारी दे रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक जानकारी दे रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय हमारा लगातार जो है उनके संपर्क में है, और उन्हें किस प्रकार से लोगों को कैसे अपडेट किया जा सके, कैसे उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके, तरह तरह के जो भी आविष्कार हो रहे हैं R&D में उसका भी लोगों तक कैसे हम पहुंचा सकें, इन सब का भी बेहतर चिंता करते हुए हमारा विभाग लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि आज ये जो किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ है, इस दिवस के आगे चल करके इस दिवस में और भी बेहतर कार्यक्रम हम सब कोशिश करेंगे, और किसानों के हित में जो जो काम हो रहे हैं उसका भी प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जानकारी देंगे।